हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक फिट। तो गाइस, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने लगे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। गाइस, कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज को पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हमें हार्ट डिजीज होती है या हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में आर्टरीज में जाकर हमें ब्लॉकेज का काम करता है, जिसकी वजह से फिर हमें हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट का काम करता है, हमारी बॉडी में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ एलडीएल लेवल को कम करने में यह सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज हम बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि क्यों ये आजकल हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आने का खतरा, ओबिसिटी का होना, आपकी बॉडी में कमजोरी आना, घुटने दर्द करना, आपकी सांस फूलना, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है, जिसके कारण आपको ये बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये मेजर दो कारणों की वजह से बढ़ता है। एक है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, और दूसरा है आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आपका इन दोनों में से एक भी कारण सही नहीं है, या तो आपकी डाइट या आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या आपका वेट, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज भी आती हैं, लेकिन जब तक आप इन कारणों को सही नहीं करेंगे, तब तक इन रेमेडीज का लेने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। सो चलिए जानते हैं इन कारणों की वजह, जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी मेडिसिन या होम रेमेडीज लेने की जरूरत भी ना पड़े। सो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट और डायबिटिक रिवर्सल वीडियो आपके लिए डालता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की मेन वजह है आपकी अनहेल्थी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ड्रिंक्स या पैक्ड फूड, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। जब तक आप अपनी डाइट को अच्छी नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी प्रकार के फूड होते हैं, इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें फास्ट फूड की, तो जैसे नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल का यूज़ बहुत होता है, जिसके कारण इन सब में रिफाइंड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा खाना कोलेस्ट्रॉल की वजह नहीं है, लेकिन अनहेल्दी खाना कोलेस्ट्रॉल की वजह है। आप जितने भी फास्ट फूड या जंक फूड खाते हो, वो सभी रिफाइंड ऑयल में बनते हैं, जिसके कारण वो जो जितने भी फूड होते हैं वो फ्राई हुए होते हैं, रिफाइंड ऑयल में बनते हैं, और रिफाइंड ऑयल को जब गर्म किया जाता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर आप जब उस फूड को, जंक फूड, फ्राई फूड को खाते हो, तो आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर आपको इसके रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जितने भी पैक्ड फूड जैसे बिस्किट्स, लेज, कुरकुरे, पैनकेक या पैनकेक, कुछ भी पैक्ड फूड में आता है, ये सब भी रिफाइंड ऑयल से बने होते हैं। या कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम तो बाहर का भी नहीं खाते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? तो देखिए, सबसे पहले अपने घर में, अपने किचन में जो आप ऑयल यूज करते हैं उसको देखिए। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, तो प्लीज उसे किसी और ऑयल से तब्दील करें, क्योंकि अगर आप घर में भी रिफाइंड यूज कर रहे हो तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, या कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी एनिमल फूड आते हैं, जैसे नॉनवेज में चाहे आप चिकन ले लीजिए, आप फिश ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, इन सब में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है।
सो इसलिए अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मेक श्योर करिए कि उसके साथ वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करें, क्योंकि जब भी आप नॉन वेज खाने बैठे अगर आप उसके साथ वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, उसके साथ आप सैलड खाएंगे, तो आपके अंदर फाइबर्स की कमी नहीं आएगी, जिसके कारण आप जो भी नॉन वेज खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अपनी डाइट में आप फ्रूट्स को ऐड करिए, हरी सब्जियों को ऐड करिए, क्योंकि हरी सब्जियां बहुत बेस्ट सोर्स है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसके साथ आप फ्रूट्स को ऐड करिए, ड्राई नट्स को ऐड करिए, ड्राई नट्स में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को साथ साथ कम भी करता है। इसलिए अब आप अपनी सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस कीजिए, जितना आप रॉ फूड खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे, उतना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी आएगी। डाइट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अगर आप आज ही अपनी डाइट को सही करना शुरू कर दें तो आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई भी मेडिसिन, कोई भी आपको होम रेमेडीज लेने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपका नेचुरली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए गाइस आप मेक श्योर करें कि जो बाहर का फास्ट फूड जंक फूड है उनको या तो बिल्कुल बंद कर दें या उसको थोड़ा कम कर दें, ताकि आपका जो ब्लैक कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाए। अपनी डाइट में सैलड, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स को, ड्राई नट्स को ऐड करें, ताकि आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल की आपको इंक्रीज होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल की कमी खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपका पेट निकला हुआ है तो भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आपका पेट निकला हुआ है या आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, आप ओबेसिटी के शिकार हो, तो एक बात इससे बिल्कुल क्लियर होती है कि आपका या तो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और या आप दिन में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को कष्ट नहीं देंगे, अपनी डाइट को अच्छा नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनना शुरू हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड बनने से आप ओबेसिटी के शिकार होगे और उसके बाद फिर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा। ओवरवेट होने से आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अगर आप कोई भी खाना खाते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या अगर आप थोड़ा सा भी चलते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, या आपके अंदर हमेशा गैस बनी रहती है, ये आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वार्निंग देते हैं। इसलिए आप अपने ओवरवेट को कम कीजिए। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, या तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, या उन बहुत ही ज्यादा वो ओवरवेट होते हैं, जिसके कारण उनको हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने का खतरा हमेशा बना रहता है। सो इसलिए अगर आप भी ओवरवेट हो या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो प्लीज खबरदार हो जाइए, हार्ट अटैक आपको भी आ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप ओबेसिटी के शिकार ना हो, आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी ना लगे, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो इसलिए आप डेली कम से कम 2 से 3 मील वॉकिंग जरूर करें, डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि आपके अंदर जो जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है आपकी आर्टरीज में वो निकल कर बाहर आ सके। जैसे जैसे आप अपने वेट को लूज करते रहेंगे, तैसे तैसे आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए गाइस मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आपके अंदर, आपके जो भी आप टेस्ट कराते हो, अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, वो सिर्फ 2 कारणों की वजह से ही आता है, एक आपकी डाइट और एक आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेंगे, आप पूरे दिन में देखिए आप क्या क्या खाते हो, अगर आपके डाइट में आपको लगता है कि ये आपके लिए खराब है या अच्छा नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी डाइट को अच्छा कीजिए और डेली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करिए, बाकी अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल इंक्रीज होगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी डिजीजेस नहीं होगी। सो आपको कोई भी मेडिसिन या रेमेडीज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा आपने देखा है, सो थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटेंट और डायबिटिक रिवर्सल वीडियो आपके लिए डालता रहता हूं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।